जयपुर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर से दूर क्वारंटीन सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड की ओर से शहर से दूर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। कानोता के नायला में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स के साथ ही अजमेर रोड के महला में भी क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर जेडीए और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से 10 से 15 हजार लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था यहां पर की जा रही है और इसी को लेकर जेडीसीटी कांत ने महला स्थित आरएचबी फ्लैट्स का निरीक्षण किया और उन्हें क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए। चलिए न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए पहले तो ये था कि जगह जगह राजधानी में जितने भी होटल्स हैं उनको क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए, लेकिन अब ये है कि लोगों जहां पर आमजन की कम रहने की है उस जगह से अलग हटकर क्वारंटीन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण का फैलने का खतरा बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, देखिए मनीषा, जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर प्रदेश की बात की जाए तो 1100 से अधिक केसेस पॉजिटिव मरीजों के, कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रदेश में आ चुके हैं। और जयपुर शहर की बात की जाए तो 483 केसेस पॉजिटिव केसेस जयपुर शहर में है। ऐसे में पूरी एहतियात सरकार की ओर से बरता जा रहा है। हजारों लोगों को जयपुर शहर में क्वारंटाइन किया गया है। सीतापुरा के जेईसीसी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, साथ ही जयपुर शहर के कुछ होटल्स को भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह लोगों के विरोध को देखते हुए ये सावधानी बरती गई कि जयपुर शहर से दूर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। इसको देखते हुए जो जेडीसी टी रविकांत हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया और उनकी ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि 10 क्वारंटाइन सेंटर की जगह देखी जाए जिसको लेकर टोंक रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड पर क्वारंटाइन सेंटर की जगह जेडीसी टी रविकांत की ओर से देखी गई। हाउसिंग बोर्ड और जेडीए को ये जिम्मेदारी दी गई थी। जेडीए की ओर से हाउसिंग बोर्ड के जो नायला में फ्लैट्स हैं आगरा रोड पर और आगरा रोड पर ही बगराना में जो आरएचबी के फ्लैट्स हैं, साथ ही अजमेर रोड पर भी महला में जो आरएचबी के फ्लैट्स हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आज जेडीसी टी रविकांत ने महला स्थित जो आरएचबी के फ्लैट्स हैं उनका दौरा किया, निरीक्षण किया है, साथ ही जो कमियां थी, देखिए पूरी तरह से सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शौचालय सहित तमाम जो सुविधाएं हैं उनको देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर ऐसी जगह बनाया जाए जिससे जो जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, भोजन की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में देखिए करीब 10 से 15 हजार लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल जेडीए की ओर से आगरा रोड पर नायला में और बगराना में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई है। टोंक रोड पर जेईसीसी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, साथ ही अजमेर रोड की बात की जाए तो महला में करीब 4000 आरएचबी के फ्लैट्स हैं उनको भी क्वारंटाइन सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई। जैसा आपने सवाल किया कि जयपुर शहर की बात की जाए तो देखिए संक्रमण ना फैले इसको देखते हुए जो जिन होटलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उसको एहतियात के तौर पर सरकार ने ये निर्णय लिया गया कि शहर में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है, उसको देखते हुए शहर से आबादी से दूर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई है। 10 से 15 हजार लोगों की फिलहाल सरकार की ओर से जिस तरह व्यवस्था की जा रही है, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो शहर से दूर, आबादी से दूर जिन आरएचबी के फ्लैट्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है उनमें करीब 10 से 15 हजार लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकेगा और संक्रमण फैलने का खतरा भी उससे कम होगा। जी मनीषा। दिनेश, एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी। देखिए बहुत सारे दर्शकों को ये कंफ्यूजन हो सकता है और मैं चाहूंगी कि हम वो क्लियर कर दें। जो क्वारंटीन सेंटर फिलहाल बनाए गए हैं जिन होटल्स में संदिग्ध लोगों को ठहराया गया है, पूरी व्यवस्थाएं होते ही, पूरी तैयारियां होते ही उन्हें दूसरे क्वारंटीन सेंटर जो आबादी वाले क्षेत्र से बहुत दूर है वहां पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और साथ ही एकदम पूरी तरीके से सैनिटाइज उन होटल्स को कर दिया जाएगा ताकि कोई भी संक्रमण का खतरा वहां पर भी ना हो। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस तरह लोगों की ये जानने की उत्सुकता भी है और जिज्ञासा भी है कि लगातार जयपुर शहर में जिन होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उससे एक लोगों में दहशत का माहौल भी पैदा हुआ था कि संक्रमण फैलने का खतरा भी था। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी, जो संदिग्ध लोग थे उनको ही इन क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया था, लेकिन जिस तरह से जो पॉजिटिव, जिस तरह कल नीलम होटल में
5 पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई। देखिए एवन टीवी ऑफिस के सामने ये होटल है, बिल्कुल कल 5 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो उनको पूरी तरह से प्रशासन की ओर से यहाँ से दूर क्वारंटाइन सेंटर जहाँ बनाए गए हैं वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। ऐसे में जो पॉजिटिव मरीज, देखिए जिन होटलों में रखा गया था उनको बाहर तो अभी फिलहाल निकाला नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या, जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं उनको शहर से दूर, आबादी से दूर क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया जा रहा है। ऐसे में उनको बिल्कुल भी वहां से बाहर निकलने की कोई अनुमति नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से इस पर निगरानी रखे हुए, चप्पे चप्पे पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, कहीं पर भी किसी को बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे में संक्रमण फैलने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि कोई किसी भी तरह से संक्रमण का खतरा ना हो, पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है। बिल्कुल दिनेश, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट